बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फखरा नूरिन एंड टुडेज टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स बाय फिलिप सिडनी। इट इज आल्सो कॉल्ड आर्केडिया, जस्ट आर्केडिया, एंड द होल नेम कैन बी कॉल्ड द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। इट इज रिटन इन लेट 16th सेंचुरी। इट इज आल्सो कॉल्ड अ लॉन्ग प्रोज वर्क एंड रिटन इन द ईयर 1570। And Philip Sidney wrote it for his sister Mary Herbert, also known as simply Arcadia. Till 1908, it was not considered as an important work, but after it becomes an important and significant work. It is also known as a romantic story. Sir Philip Sidney died before its completion, and it was published in 1590. And Sidney died in 1586. Now I want to discuss the characters of the story. Basilius जो है वो king है, एक king of Arcadia, and Arcadia is a place in Greece, and he is the protagonist of the story. Gynecia, a cheerful lady and wife of Basilius. Pamela, King Basilius' elder daughter, and there is a prophecy about her that she marries an unsuitable and unworthy boy. Philokilla, King Basilius' younger daughter, and fifth character is Proclus and Kilofella. ये एक prince है और ये king की जो बेटी है, छोटी बेटी, उसे ये इंगेज होता है, मतलब से लव करता है। ही चेंज हिज आइडेंटिटी टू मीट किंग्स डॉटर, एंड जो ये जो आइडेंटिटी लेता है उस लिहाज से उसको क्लोफिला के नाम से ये जाना जाता है। एंड द सिक्स्थ कैरेक्टर इज माइडोरस, एंड ये भी जो है अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। एक्चुअली ये जो प्रिंस प्रोक्लस एंड माइडोरस जो होते हैं, ये आपस में कजन होते हैं, और जो ये माइडोरस होता है ये लव करता है बेसिलियस की जो एल्डर डॉटर है उससे। ये भी चेंज करता है अपनी आइडेंटिटी और एक अनदर आइडेंटिटी जो है वो अडॉप्ट करता है डोरस के नाम से। सो दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू फाइव बुक्स, मतलब होल स्टोरी जो है फाइव बुक्स में लिखी गई है। फर्स्ट बुक जो है उसमें देखते हैं कि क्या चीज हमारे सामने आती है। किंग बेसिलियस जो है वो अपना जो किंगडम है वो छोड़ देता है अपनी फैमिली के साथ, एंड वेंट फार अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग अटैक्ड बाई अनदर किंगडम, एंड गिव ऑल हिज वेल्थ एंड किंगडम टू फिलानेक्स। ही वॉज हिज गुड फ्रेंड, ऑन द पाथ ही मेट एन ओरेकल। ओरेकल मतलब कि वो उसको थोड़ा प्रोफेसी बताती है इस बारे में कि उसकी जो डॉटर्स है ना वो किसी एक अनवेल पर्सन जो है उनसे शादियां उनकी होंगी। और किंग जो है वो अपनी वाइफ और जो है ना डॉटर और सर्वेंट्स के साथ किसी और जगह पे रहना शुरू कर देता है। किंग जो है फिलोकिला वहां पे वो देखता है साथ पिक्चर ऑफ हिज यंग डॉटर एंड फेल इन लव विद हर। ये जो है उसकी पिक्चर देखता है फिलोकिला जो है वो किंग की बड़ी छोटी बेटी की पिक्चर देखता है एंड फेल इन लव विद हर एंड विश टू मीट हर। सो दैट्स व्हाई ही चेंज हिज आइडेंटिटी एंड ये एक अमेजोनियन वुमेन जो है वो बन जाता है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज कर लेता है। ये अमेजोन एक ट्राइब है जो मतलब जंगल में रहते होते हैं। माइडोरस आल्सो केम एंड चेंज हिज आइडेंटिटी एंड बिकेम अ शेफर्ड। व्हेन दे रीच किंग बेसिलियस जो है वो देखता है किलोफिला को। किंग बेसिलियस वो सोचता है उसको कि ये खूबसूरत सी मतलब कि औरत है और इससे उसको मोहब्बत हो जाती है। एंड माय डोरस हु चेंज हिज नेम। दोनों जो होते हैं वो डोरस और फिलोकिला जो होते हैं वो किंग के साथ रह रहे होते हैं। एक दिन एक लाइन जो है एंड बियर जो है वो अटैक करता है सब जब बैठे होते हैं। एंड द प्रिंस किलोफिला किल्स द किंग लाइन एंड डोरस किल्स द बियर। एंड नाउ गाइनिसिया जो है वो उसको डाउट होता है उसके ऊपर किलोफिला के ऊपर के दैट ही इज नॉट ही इज अ मैन, ही इज अ बॉय एंड नॉट अ वुमेन बिकॉज ऑफ हिज लाइंस किलिंग। मतलब उसको ब्रेवली जब मारता है तो उसको पता, उसको थोड़ा डाउट होता है कि कोई मर्द ही जो है वो ऐसा काम कर सकता है, ये औरत तो नहीं हो सकती। तो किंग जो है उसकी बेसिलियस की वाइफ जो उसको से प्यार हो जाता है और गाइनिसिया भी उसके ऊपर शक करने लग जाती है। और किलोफिला जो है प्रोक्लस जो है किलोफिला के रूप में
उसको किंग को भी उसके साथ लव हो जाता है। तो ये इनकी यहाँ पे फर्स्ट बुक जो है वो एंड हो जाती है। इन द सेकेंड बुक द प्रिंस किल ऑफ फ्लर्ट ट्राई टू सीड्यूस पैमला बट नॉट सक्सीडेड। ऑन अदर हैंड किंग बेसिलियस वांटेड टू गेट क्लोफिला एज ए सूटर। गनिसिया फेल्ट जेलस ऑफ बीइंग किंग्स अट्रैक्शन फॉर अनदर वुमन। डोरस जो है वो ट्राई करता है उसको पैमला को सीड्यूस करने की, बट विद हर जो उसकी डॉटर होती है, उनका एक सर्वेंट होता है, उसकी डॉटर होती है मोबसा, वो डोरस को पसंद करती है, और डोरस जो है वो इसमें कामयाब नहीं होता कि वो पैमला का दिल जीत सके, तो जिसकी वजह से उसने आइडेंटिटी ली हुई होती है। और ये फिर उसको रिक्वेस्ट करता है पैमला को मेरे साथ भाग चलने की, तो वो मान जाती है फिर। तो क्लोफिला जो होता है वो मतलब जो है वो अपना मोटिव बता देता है, और ट्रुथ जो होता है उसकी रियलिटी के पीछे के, वो जो है प्रिंस की जो है वो बेटी से प्यार करता है, और वो मतलब के बहुत खुश होती है इस तरह से ना, जो गनीसिया है वो भी खुश होती है, और वो जो उसकी जो डॉटर होती है वो भी खुश होती है। वो उसके मतलब उसको कहती है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और इस तरह जो है ना ये बुक भी यहाँ पे एंड हो जाती है, क्योंकि डोरस जो है उससे मोहब्बत करता है, उसको बता देता है, और जो है ये क्लोफिला जो होता है वो यानी कि प्रोक्लस जो है उसकी यंगर डॉटर से मोहब्बत करता होता है, ये डिक्लेयर कर देता है। अब थर्ड बुक जो होता है वो उसमें क्या होता है कि डोरस जो है वो प्लान करता है उसके साथ पैमला के साथ भागने का, तो ये हंटिंग के लिए जाते हैं पैमला और मोपसा के साथ। वो मोपसा को बोलता है कि तुम इधर दरख्त के नीचे खड़ी रहो और हम जो है वो आते हैं, तुम इधर ही खड़े रहना, लेकिन वो जो है वो नहीं आते, भाग जाते हैं। लेकिन डोरस जो है वो उसको पैमला को रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे ना कोई लोग आ जाते होते हैं, लेकिन वो नहीं कामयाब होता, ये आर्केडिया के ही कोई लोग होते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किंग्स की गाइनिसिया जो है वो अपने आप को, वो उसकी फीलिंग्स जो है वो अनकंट्रोलेबल हो रही है, और वो जो है क्लोफिला को ना वो चैलेंज करती है कि वो अपनी सच्चाई बताए, और कि वो लड़का है, और वो उसको बता देती है अपनी सारी स्टोरी, बता देता है जो प्रोक्लेस है वो, और प्रोक्लेस जो है वो यहाँ पे दूसरों किंग और क्वीन दोनों को जो है वो बेवकूफ बना रहा होता है। वो किंग को कहता है कि वो रात को ना एक केव में रात स्पेंड करेंगे, मैं साथ करूंगा, वो किलोफिला के रूप में किंग से कहता है जो प्रोक्लेस होता है, और गानिसिया से जो है ना वो प्रोक्लेस की फॉर्म में वो कहता है कि हम ना घर में ना रात जो है वो स्पेंड करेंगे, और इस तरह रात को क्या होता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किलोफिला जो है और गानिसिया जो है वो मतलब इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग में किंग और जो क्वीन होते हैं वो दोनों वहां पे घर में चले जाते होते हैं, और जो प्रोक्लस होता है इसको मौका मिल जाता है उसके साथ नाइट स्पेंड करने का, उनकी जो बेटी होती है। यहाँ पे ये थर्ड बुक एंड हो जाती है। अब फोर्थ बुक स्टार्ट होती है, उस रात जब ये हो रहा होता है वो केव में होते हैं और वो घर पे होता है, तो डेमिस्टस नाम का जो है वो उनका नौकर होता है, उसकी बीवी और उसकी जो बेटी होती है वो देखते हैं कि पैमला जो है वो घर पे नहीं है, और उनकी छोटी बेटी जो है वो रूम में है, और उनको ना किलोफिला की भी पता चल जाती है सच्चाई की ये तो प्रिंस है, और जो है ना सुबह उठते ही उनकी जो मतलब के वहां अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो केव में जब वो सुबह होती है तो उनको पता चल जाता है कि ये तो मतलब के हम दोनों ही थे। तो उसके बाद फिर क्या होता है, घर जा पाते हैं, और ये घर जब आते हैं तो उस जो पैम गाइनिसिया होती है वो क्या करती है कि वो उसको मारने के लिए ना जो होता है प्रोक्लस, यहाँ पे अभी यहाँ पे फिफ्थ बुक फोर्थ बुक एंड हो चुकी है, अब फिफ्थ बुक स्टार्ट हो गई है। तो वहां पे जब वो घर आते हैं तो जो होती है ना गाइनिसिया वो एक ग्लास में ना जहर मिला के रख देती है उसको पिलाने के लिए, लेकिन वो किंग जो है वो पी लेता होता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। गाइनिसिया जो होती है वो सरेंडर कर देती है और खुद को वो अदालत के सामने एक तरह से पेश कर देती है। तो फिर वो क्या एंड पे जाके ना ये भी पता चल जाता है उनको कि ये जो है ना जो उसका नाम क्या है वो प्रोक्लस जो होता है
और उसका भी प्रिंस होने का पता चल जाता है, वो भी पकड़ा जाता है, और डोरेस भी पकड़ा जाता है, और किंग जो है जब उसको बिल्कुल सजा मिलने लगती होती है तो जो है वो किंग वापस आ जाता है, और वो उसको क्योंकि वो जो जहर उसने पी होती है उसकी वजह से सिर्फ वो बेहोश हो जाता है, मतलब ज्यादा देर तक कोमा में चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है, और फिर बाद में उसको पता चलता है ये दोनों रॉयल फैमिली से, और ये दोनों है तो वो सुटेबल हस्बैंड हैं तो उनके लिए, बेटियों के लिए, तो फिर उनकी शादी हो जाती है, इस तरह एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है इसकी।